जय हिंद साथियों, आज हम लोग अधिगम की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानिक सिद्धांत। जी हाँ, इस 8 सोपान को हम लोग पढ़ेंगे जो अधिगम के बारे में उन्होंने बताया है, जिनकी प्रमुख पुस्तक थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1965 में आई थी और यह आपके परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर करा देगी और सिलेक्शन का पैमाना 1 और 2 अंक से ही होता है। तो चलिए एक एक तथ्य को जानते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपको भी पता है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक में थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, दोबारा किसी किताब की जरूरत ना पड़े। अधिगम खोज करना है, एक डिस्कवरी है। अधिगम एडजस्टमेंट की बात करता है, अधिगम समायोजन में सहायक होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है, अधिगम जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, मददगार होता है। ऑब्जेक्टिव एंड गोल डायरेक्टेड है, माने अधिगम का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, निर्देशित होता है। अगर अधिगम की बात करें हम तो व्यवहार में प्रगति से सुधार भी है। अधिगम जीवन पर्यंत सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है और अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों हो सकती है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि अधिगम के बारे में शिक्षा मनोवैज्ञानिक सीखने के अनेक प्रकार का वर्णन किया है, जिनका नाम है रॉबर्ट गैने। 1965 में अधिगम की प्रकृति को, सीखने की प्रकृति को समझाने के लिए रॉबर्ट गैने जी ने अपनी प्रमुख पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 सोपानों की व्याख्या की है। वो 8 सोपान आपको यहां पर बोर्ड पर दिख रहे होंगे, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें जाननी है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे प्रमुख इसमें क्या पढ़ना है, ये पिरामिड की आकृति में प्रस्तुत है। किस आकृति में, ये पिरामिड का एक छोटा सा सवाल कि पिरामिडों का देश किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अब इसके आधार पर, इसके आधार में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग है आधार पे, मतलब सांकेतिक अधिगम है। क्या है, यहां पे सांकेतिक अधिगम है। और अगर इसके शीर्ष पर जाएंगे तो यहां पर है समस्या समाधान अधिगम, मतलब ये सांकेतिक अधिगम से शुरू होकर अपने 8वें सोपान समस्या अधिगम तक की बात है। लेकिन इनको एक एक कर पढ़ना होगा, इसकी व्याख्या, इसके उदाहरण, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में जब हम सीडीपी की बात करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई चीज है तो उसकी व्याख्या करना, एग्जाम्पल देना, ताकि दिमाग में आपके फीड हो जाए। क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाते, खासकर उन प्रश्नों की जो प्रकृति है, थोड़ा सा व्याख्यात्मक प्रश्न देकर फिर पूछे जाते। मैं प्रश्न के प्रकार भी बताऊंगा कैसे पूछे जाते हैं। तो सोपान की जो है उसमें प्रस्तुत किया गया है, गैने ने अपने अधिगम को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जिसे हम सोपानिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न आपका आएगा कि रॉबर्ट गैने की जो अधिगम सोपान था ये कितने चरणों में है, 8 चरणों में है। ये किस किताब में इन्होंने इसका वर्णन किया था, द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965 में। अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे सिग्नल लर्निंग, जिसे है सांकेतिक अधिगम। अब आपके मन में आएगा, सर ये सांकेतिक अधिगम क्या होता है, क्या आपके भी मन में आया ये, क्या आपके भी मन में आया ये कि सांकेतिक अधिगम क्या है। हेडिंग बनाइएगा सांकेतिक अधिगम। ये अधिगम का सबसे निम्न स्तर, ये क्या है, अधिगम का सबसे निम्न स्तर है। इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से क्या किया जाता है, संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर संकेतों के माध्यम से कैसे सिखाया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि संकेत के माध्यम से भी चीजों को सिखाया जा सके। जी हाँ, जैसे आप तेजी से भाग रहे हैं, तेजी से दौड़ते हुए आप भाग रहे हैं, अचानक कोई रस्ती दिखा दे या कोई हाथ दिखा दे तो तुरंत आप क्या होते हैं, सटाक से खड़े हो जाते हैं। जैसे तेजी से भाग रहे हैं आप, अचानक कोई हाथ दिखा दे तो क्या होते हैं, आप तुरंत औचक खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हाथ दिखाने से क्या करना है, हमें रुकना है या हमें रुक जाना है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सांकेतिक अधिगम संकेत पर काम कर रहा है। जैसे अब जब साइकिल चलाना शुरू करते हैं, जब साइकिल चलाते हैं तो आपको यह पता है ये ब्रेक है। जैसे कोई व्यक्ति सामने आता है या कोई चीज दिखता है, तुरंत आपका साइकिल का जो ब्रेक है वो तेजी से दब जाता है। मतलब आपने साइकिल
कि जो ब्रेक है उसको दबाया नहीं लेकिन फिर भी वो दब जाता है। तो यह है आपका सांकेतिक अधिगम और यह सबसे निम्न स्तर पर। अब इसे कहेंगे कि परीक्षा में पूछा जाता है कि रॉबर्ट गैने का कौन सा अधिगम चरण पावलाव के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो आपने देखा होगा कि जब घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते से जो कुकुरा होता है पावलाव का उसे लार टपकने लगती है। तो मतलब ये सांकेतिक अधिगम का सिद्धांत किससे है या किसने इसको परिभाषित किया, तो ये पावलाव। तो माने पावलाव का जो सिद्धांत है वो इस सिद्धांत के साथ सीधा सीधा समायोजन करता है। तो आप बताइएगा कि पावलाव के सिद्धांत का नाम क्या था कमेंट सेक्शन में, वैसे हम लोग पावलाव को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपका जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा। दूसरा जो है ये क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। जी हां, उद्दीपन स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये क्या चीज है, क्या आप लोग को इसके बारे में पता है, सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हैं जल्दी से बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जैसे इसको समझाने के लिए अगर इसका एग्जाम्पल आपको देना हो तो कैसे देंगे, बहुत ही आसान तरीका। जैसे आप बच्चों से कहते हैं कि आप जल्दी से होमवर्क पूरा कर लो, हम आपको एक ट्रॉफी देंगे। तो बच्चा अगर तेजी से काम करता है एक ट्रॉफी मिलेगी। जैसे मैंने आपसे यह कहा, मैं अगर एग्जाम्पल को आपके से कहना चाहूं कि अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है और आपको एक नौकरी करनी है शिक्षक बनने का, तो आप सबसे पहले करिए कि एक एक टॉपिक को सिलेबस के आधार पर पढ़िए, इस टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपके एक से दो अंक मिल जाए। तो आपके सामने मैंने एक उद्दीपक रखा कि आपके सामने भर्ती है, आपके सामने पढ़ता परीक्षा है, तो आपने दोनों को देखा और आप क्या किए, तैयारी तेजी शुरू की। आपको लगा कि इनको पढ़ने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया क्योंकि आपको पता है वहां पे क्लासेस फ्री मिल रही है। आपको पता चला ई-लर्निंग विद दुर्गेश की यूट्यूब पे क्लासेस फ्री है, आप तुरंत उस पर जाकर पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि इसके बाद आपको नौकरी मिलनी है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं ये उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो होता है यह इनका द्वितीय चरण है। पहला क्या होता है कि लड़का सिग्नल देखता है, लड़का संकेत देखता है और वो उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है, काम करता है। लेकिन दूसरा काम करने का एक वजह होता है कि सामने भर्ती है, सामने परीक्षा है आपकी, आपकी पढ़ाई तेजी से होना शुरू हो गया। तो ये उद्दीपन अनुक्रिया सीखना है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अधिगम के किस मनोविज्ञान के सिद्धांत को ये फॉलो करता है। सभी लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। अब हम चलते हैं गैने महोदय के तीसरे चरण में जिसका नाम है सरल सीखना सरल श्रृंखला का अधिगम। जरा इसके बारे में आप लोग बताएंगे ये क्या है। जैसे ये गैने का सरल सीखना का मतलब ये है, ये क्रम से होने वाली एक अनुक्रिया को बताता है। ये क्रम से होने वाली क्या करता है, ये अनुक्रिया को बताता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है क्या दौड़ना शुरू करता है, जी नहीं, वो लर्निंग ऑफ सिंपल चैनिंग माने चैनिंग चैन के भांति वो काम करता है। वो चैन क्या हो गया, जैसे पहले वो ऐसे ऐसे करके चलता है बकैया जिसे आप कहते हैं, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे से करके चलता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। माने उसका जो क्रम है वो एक दो बार एक के बाद स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ और दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये है गैने महोदय का सरल श्रृंखला से तात्पर्य एक क्रम में होने वाली अनुक्रिया। जैसे अगर आप पहले कोई चीज करना चाहते, जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, तो सबसे पहले क्या आप डायरेक्ट बस या ट्रक सीखते हैं, पहले बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल चलाना आ गया फिर सोचता है कि अब मोटर बाइक चलाएं, मोटर बाइक चलाने के बाद फिर लगता है अब कार चलाएं। तो इस क्रम मतलब क्रम आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन एक प्रक्रिया के तहत होता है। जैसे अगर आप किसी भी भाषा की बात करें चाहे कोई प्रक्रिया की बात करें, जैसे क्लासरूम की बात करें, तो आप प्रयास करते हैं सबसे पहले सिलेबस रखते हैं, सिलेबस को क्रम बाय क्रम बाय क्रम पूरी तरह से क्लियर करते हैं क्योंकि आपको पता है अगर सिलेबस छूट गया अधूरा रह जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ओवरऑल मिला जुलाकर आपका एक ही कारण है कि हमें सरल श्रृंखला से काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ में आ गया होगा सरल श्रृंखला का क्या है। यह
स्किनर महोदय के सिद्धांत से मिलता है। अगर यह देखा जाए तो दो तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं, पहला शाब्दिक श्रृंखला और अशाब्दिक श्रृंखला। शाब्दिक श्रृंखला में जो होता है वो अभिक्रमित होता है, जबकि अशाब्दिक श्रृंखला में क्या होता है, चित्रात्मक होता है, चित्र होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं। तो आपने देखा बच्चा कैसे दौड़ना शुरू करता है, डायरेक्ट नहीं दौड़ता, तो वह यह प्रक्रिया है। अगला क्रम आप लोग देखें तो जिसका नाम है शाब्दिक साचर अधिगम। क्या नाम इसका, शाब्दिक साचर का अधिगम। तो कहेंगे सर शाब्दिक साचर अधिगम क्या होता है, यह देखा जाए तो यह चौथा चरण है। यह चौथा चरण है, चौथे चरण पर आता है, और इसके बारे में पहले आपको व्याख्या कर देता हूं। इस अधिगम के प्रकार से शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है, शब्द बोले जाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कि मेरे शब्द हैं जो आप तक पहुंच पा रहे हैं, और आप भाग्यशाली हैं कि पृथ्वी पर हैं। अगर चंद्रमा पर होते ना तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई देती, आप पटाखे की आवाज भी नहीं सुन पाते। आप जो घर पे बैठ के जो लाइव पढ़ रहे हैं, जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ई लर्निंग में दुर्गेश में पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं दिख पाता, क्योंकि आवाज आपको मेरी नहीं सुनाई देती, केवल चित्र दिखाई देता। अब आपसे प्रश्न है, ऐसा क्या कारण है कि चंद्रमा पर हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब देखते हैं इस अधिगम के जो प्रकार है, इसमें शब्दों को अभिव्यक्त करना है, तो इसमें एक मनोविज्ञान के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिनका नाम है डेविड आशुबल। डेविड आशुबल ने इसे चार प्रकार से बताया है। कितने प्रकार से, चार प्रकार से बताया है। पहला अधिग्रहण, क्या बताया है, अभिग्रहण सीखना। तो कहेंगे सर अभिग्रहण सीखना क्या होता है, माने बच्चा स्वयं से अभिग्रहण करता है, जैसे कविता कहानी। ये कविता कहानी माध्यम से बच्चा क्या करता है, स्वयं देखता है और उसे ग्रहण करने का प्रयास करता है। जैसे वो ये देखता है कि पापा चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद कफ रखते नीचे, तो भी चाय पीता है, कफ नीचे रखता है, तो ये बच्चा देखते देखते क्या करता है, सीख लेता, उसके अंदर ग्रहण कर लेता है। जैसे वो देखता है कि पापा आते हैं हाथ पैर धुलकर तब खाना खाते, तो बच्चा भी देखते क्या करता है, हाथ धुलता है फिर खाना खाता है। पापा वो देखता है बच्चा सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं पापा मम्मी, तो भी क्या करता है, ब्रश करने का प्रयास करता है। तो ये अभिग्रहण सीखना हो गया। दूसरा अन्वेषण, अन्वेषण माने बच्चा डिस्कवरी लर्निंग भी करता है, बच्चा खोज भी करता है, खोज कर भी सीखता है। और ये बताएंगे कई और मनोवैज्ञानिक थ्योरी इसमें जुड़ी हुई है। जैसे अब बताइए कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए इसमें आपको ये लगता है बच्चा खोज भी कर लेता है। जैसे बच्चे ने ये देखा कि जब उसको भूख लगती है तो रोने लगता है, तो उसको लोग खाना ला खिलाते हैं, उसको गोद में जाना होता है तो तेज रोने लगता है, या कोई गोद से उतार दे तो रोने लगता है। तो उसको ये पता है कि उसने ग्रहण भी किया लेकिन वो सीख भी लेता है। जैसे नल से पानी गिर रहा है तो देखता है टोटी बंद किए तो पानी बंद हो जाती है, तो प्राय क्या करता है, टोटी बंद करना सीख जाता है। माने वो अन्वेषण करता भी है, धीरे धीरे क्या करता है कि वो कागज कलम लेता है या कपड़े लेता है या पुराने सामान लेता है, उसकी ढेर लगाना शुरू करता है, फिर देखता है एक ऊपर एक ढेर लग जाते हैं, जैसे छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा, इस तरह वो अन्वेषण करता है। दूसरा अगला है रटकर, रोट लर्निंग। ये सबसे अगर देखा जाए तो अधिगम सिद्धांत में इसे सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि रटना नहीं है, पहले तो सीखना है। तो ये रट कर सीखना, याद करना। ऐसे लोग कहते हैं बताओ पापा का नाम क्या बेटा, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, बताओ बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। तो जो बच्चों से लोग पूछते हैं तो बच्चा रटाते हैं उसको, तो रट कर बताता है। अगला लास्ट है अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो हमेशा ये प्रयास करता है कि अर्थपूर्ण बता। जैसे अगर उसको ये बता दिया जाए कि पापा बाजार गए सब्जी लाने, उसको ये पता होता है कि बाजार में काफी मिलती है, तो बच्चा ये कहता है कि पापा बाजार आते समय मेरे लिए काफी ले आना। मतलब उसको ये अर्थ भी पता हो गया कि पापा बाजार सब्जी लाने जाएंगे तो वहां से उसके लिए टॉफी भी आएगी, क्योंकि उधर से आते समय टॉफी की दुकान भी मिलती है। इस प्रकार हमने और आपने देखा कि जो बच्चे हैं वो कई चीजें यहां से कर पाते हैं। ये शाब्दिक साचर अधिगम डेविड आशुबल का था जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगला अगर हम देखें यहां पर तो वह है विभेदीकरण अधिगम। सर ये विभेदीकरण अधिगम क्या होता है बताइए, जिसे विभेद करना, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या है कि जब बच्चा श्रृंखला में सीखता है,
तब उस बच्चे को शब्दों की जानकारी हो जाती है, वो वस्तुओं में भेद कर पाता है। भेद करने का मतलब जैसे उससे पूछते हैं आपकी कॉपी कैसी है बेटा, कहता है कि पापा जैसे खिड़की है, मतलब वो एक चतुर्भुज ना करके वो बताता जैसे खिड़की है आपकी, आराम से बच्चा सीख पाता है। कहते हैं पापा ये टायर कैसा दिखता है, तो कहते हैं पापा गोल है, गेंद की तरह है, गेंद की तरह गोल है। तो मतलब बच्चा क्या करता है, वस्तुओं में भेद करना सीखता है। इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपन जो होता है उसके प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना भी शुरू कर देता है। जैसे उससे पूछा जाता है कि कोई आकृति में अंतर बताओ, कहता है कि पापा ये तो गोला है, ये तो चार भुजा वाला, ये गोला ही चार भुजा वाला है, ये मेरे चॉकलेट की तरह है, ये मेरे टॉफी की तरह है। तो बच्चा विभेदीकरण कर पाता है और बताता है नहीं पापा ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये वृत्त है, ये किसमें, ये लड़का विभेदीकरण में देख पाता है, माने ये क्या है, ये वृत्त है, ये क्या है त्रिभुज है, ये क्या है वर्ग या आयत है। इस प्रकार बच्चा क्या करता है, विभेदीकरण भी करना सीख जाता है। तो ये कौन सा चरण था, ये इसका 1, 2, 3, 4, 5वां चरण था। अब हम चलते हैं छठे चरण पर, जिसे संप्रत्यय कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। जरा कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में आप लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, इसमें जो बच्चे होते हैं संप्रत्यय, इसमें बच्चों के अंदर वस्तु और अन्य चीजों के सामान्य गुण के आधार पर कोई अर्थ सीखना जो होता है वो संप्रत्यय कहलाता है। मतलब जैसे बच्चे सुनकर देखकर जो अपने अंदर ग्रहण करते हैं वो कॉन्सेप्ट लर्निंग है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चे देखते हैं कि कौआ आता है छत पर तो कौं कौं करता है, सब लोग देखने आता है, तो बच्चा भी कभी कभी कौं कौं की आवाज करता है, आपने देखा होगा। कभी कभी अगर गैया आवाज करती है तो बच्चा भी क्या करता है, तोता आवाज करता है, तो बच्चा उसको हमेशा कॉपी करने का प्रयास करता है और साथ ही साथ वो उसको अपने अंदर बैठा भी लेता है। जैसे हम लोग या आप लोगों ने सुना होगा या बताया गया होगा कि बच्चे को जैसे फिल्म जब देखता है या बच्चे को बताया जाता है कि रात में 12 बजे के बाद अंधेरा होता है और सो जाओ नहीं तो चुड़ैल आएगी, भूत आएगा। बचपन में जब उसे ये बातें बताई जाती है उसके दिमाग में फीड हो जाती है, जब अचानक रात में उसकी नींद खुलती है, अंधेरी रात होती है, हवा चलती है, कोई चीज हिलता है, लगता है भूत है, तो और दुबक के सो जाता है। तो ये बच्चों के अंदर डर भी पैदा हो जाता है, कैसे, उसकी मम्मी ने बताया। अब उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा जैसे शेर बहुत बड़ा जहाज होता है, दौड़ता बहुत तेज है, अगर वो आवाज सुनोगे उसकी तो घर में गुजरो खा जाता है। बच्चा अगर कोई ऐसी आवाज सुनता है तो लगता है शेर है, वो दुबक जाता है। तो ये हो जाएगा आपका संप्रत्यय अधिगम। कोडलर महोदय ने 1964 में समझाने का प्रयास किया था, ठीक, कोडलर महोदय ने इसे 1964 में समझाने का, इस थ्योरी को और अच्छे से बताने का प्रयास किया था। मैंने उसके मस्तिष्क में बच्चे की वैसी बातें छप जाना को हम क्या कहते हैं, संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई सी चीजें होती है जिसका असर बच्चों के दिमाग पर काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो वही आपका हो गया संप्रत्यय अधिगम। जैसे आपको है कि दुर्गेश्वरी क्लास हमने पढ़ा तो हम सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि इनके निःशुल्क क्लास एज ए गेस्ट ग्रुप में लेने में दुर्गेश से पढ़ाते हैं तो उससे हमें पढ़ना चाहिए। फिर आपको एक विचारधारा बन जाती है कि हमें दुर्गेश्वर से ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी किताबों से पढ़ सकते हैं, अपने नोट से पढ़ सकते हैं, नोट से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ओवरऑल आपको सिलेक्शन लेना है। मस्तिष्क में बनना ये संप्रत्यय हो गया। अगला क्या है, हम जिसे हम नियम या नियम अधिगम कहते हैं, अर्थात इसे रूल लर्निंग के नाम से जानते हैं। ये रूल लर्निंग क्या है, माने इस प्रकार के जब बच्चे सीखते हैं तो उनके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है, इसे हम सिद्धांत लर्निंग भी कहते हैं, थियरी ऑफ लर्निंग। ये नियमों को भी सीख लेता है, या इसलिए मतलब इसमें क्या होता है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। एक लाइन में समझना चाहे तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं। कैसे जिज्ञासु होंगे, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सभी लोग इसमें जिज्ञासु कैसे होंगे। बताइए बच्चे जिज्ञासु कैसे, मतलब इसमें हम देखेंगे बच्चा जैसे बारिश क्यों हो रही है, बिजली क्यों कड़क रहा है, सूर्य पूरब में क्यों निकलता है, रात को चंद्रमा कहां से आ जाता है, तो इनके बारे में सोचता है। और फिर बच्चा यहीं से व्याकरण, यहीं से गणित, विज्ञान आदि थ्योरी को भी पढ़ना सुनना शुरू करता है। मतलब इसे हम कहते हैं
रूल लर्निंग। क्लियर। अगला लास्ट है आठवां सोपान, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये बताइए ये समस्या समाधान अधिगम क्या है, क्या आप लोग को इसके बारे में पता है? जो समस्या समाधान सीखना लर्निंग जो है ये बच्चों के नियमों को समझने लग जाता है तो उसमें समस्या समाधान करने का गुण भी आ जाता है। ये अधिगम द्वारा बताया गया अधिगम का सर्वोत्तम अवस्था होती है, मतलब बच्चा समस्या का समाधान भी कर पाता। जैसे अगर अचानक से बच्चा स्कूल से निकला और तेजी से बारिश होने लगती है तो बच्चा क्या करता है अपने सर पर क्या रख लेता है, वो अपने बैग को रख लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर वो बैग रख लेगा उसके सर पर पानी नहीं आएगी और वो बारिश से बच जाएगा। मतलब यह गैने महोदय ने कहा है ये सर्वोत्तम अवस्था है समस्या समाधान अधिगम का। अचानक वो कमरे में बंद हो जाता है, उसे बाहर जाना है तो वो देखता है कि बगल में इतनी बड़ी खिड़की खुली है तो खिड़की से निकल जाना चाहिए। तो यह क्या होता है सर्वोत्तम अवस्था है, क्योंकि गणेश महोदय ने बताया उसके बालक के अंदर समस्या को समाधान करने का गुण भी व्याप्त हो जाता है, गुण आ जाता है, इसलिए हम इसे सर्वोत्तम अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कि गणेश महोदय का ये अधिगम सोपानिक सिद्धांत का कौन सा चरण है तो ये आठवां चरण है। अगर इसमें चरण अगर आप लोगों ने नहीं लिखा था तो यहां पे लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ दे। देखिए ये आपका चरण एक है, ये आपका दो है, ये आपका तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, ये सात है, ये आठ, ये आठ चरण है अधिगम के सोपान के। ठीक है, किसके? रॉबर्ट गैने महोदय के। मैं उम्मीद करता हूं इससे बाहर अब आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ आप सभी साथी इलानी विद्रगेश से जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है, सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जाके ले सकते हैं। ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है जो जौनपुर जनपद से संचालित होती है। मेरे द्वारा यह क्लास निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, अन्य सभी क्लासेस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले ताकि सरकारी शिक्षक बनने में यह आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। वैसे मैं इसका एक ट्रिक बताऊं कि अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे। जो गैने महोदय का सोपानिक ट्रिक था, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, पहले वो देखता है। जैसे बच्चा पैदा होगा सबसे पहले क्या करेगा, आंख खोलेगा। क्या करेगा? बच्चा आंख खोलेगा। जब बच्चा आंख खोलेगा तो क्या करेगा, देखेगा अच्छा ये दुनिया है क्या कोई, मतलब वो संकेत, उसका आंख खुलेगा संकेत देखेगा। और जब संकेत देखेगा तो उसको देखने के बाद अनुक्रिया करेगा, अरे ये क्या है, यह तो आदमी जैसे कुछ दिख रहे हैं। तो क्या करेगा, पहले संकेत फिर अनुक्रिया, माने पहले संकेत देखेगा फिर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करेगा, फिर वो क्या करेगा उसकी श्रृंखला बनाएगा, अरे इसके बाल तो बड़े बड़े हैं, इसके बाल छोटे हैं, माने पापा और मम्मी है क्या। बच्चा क्या किया, पहले पैदा हुआ आंख खोला संकेत, उसके प्रति अनुक्रिया किया, फिर उसकी श्रृंखला बनाया। अब शब्दों के माध्यम से सोचेगा ये पापा मम्मी दादा दादी, तो क्या होगा, शब्दों के माध्यम सीखा, चौथे चरण में आ गए। फिर करेगा अच्छा 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 ये विभेद करना है, ये हमारे पापा है, ये मम्मी है, ये दादा है और ये दादी है, मतलब श्रृंखला बनाएगा, फिर उसमें विभेद करेगा, उसके बाद उसका संप्रत्यय बनाएगा, उसका कॉन्सेप्ट बनाएगा, और फिर एक नियम बनाएगा कि जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं वो महिला होती है, ये पुरुष होते हैं, तो ये भैया होगा तो ये भाभी होगी, फिर उसके बाद उस समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। तो ये एक तरीका था, एक ट्रिक था जिसके माध्यम से आप रॉबर्ट गैने के अधिगम के आठों चरण को याद कर सकते हैं। सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, सरल श्रृंखला, शाब्दिक साचार, विभेदीकरण, संप्रत्यय नियम और समस्या समाधान। तो इसी प्रकार ये सीरीज आपको समाप्त होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। यह वीडियो फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकी आप इलर्निंग विद दुर्गेश का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा जो आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहां पे सभी क्लासेस, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, डीएसएसबी,
केबीएस, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उन सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, झारखंड टेट, सभी के लिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें।